कहने वालों के लिए ये महज एक शासक का अंदाज भर हो सकता है, लेकिन देश के इतिहास में कभी ऐसी तस्वीरें दर्ज नहीं हुई जिन नन्हे नन्हे सुरों को इस कुर्सी के तबले की थाप मिल रही है। वो शायद ही इतने हिसाब किताबी हों कि इन लम्हों की अहमियत के मायने निकाल पाए। पर कठोर से दिखने वाले देश के निजाम की तरफ से बच्चों को खुशियों का एक तोहफा है ये, और हमारे लिए आपके लिए एक पैगाम, जीवन को जीने की कला का पैगाम। कोशिश करनी चाहिए हर बालक की तरह बालक बन जाना। इस बढ़िया कपड़ों के बीच में बालक हमारा खो नहीं जाना चाहिए। उस बालक मन को जितनी ऊर्जा मिले ऊर्जा देते रहना चाहिए, उसको विकसित होने देना चाहिए। देश हित में कठोर से कठोर फैसले लेने से भी गुरेज न करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी है। वो रुकते नहीं हैं, वो डगमगाते नहीं हैं, वो पीछे मुड़ते नहीं हैं, वो अनुशासन पसंद भी हैं और शायद इसीलिए दुनिया की नजरों में कठोर हैं। मगर देश को तरक्की और सिर्फ तरक्की का सपना दिखाने वाले इस दिल के किसी कोने में एक नन्हा मुन्हा सा चंचल बालक भी रहता है, और इसीलिए वो जब बच्चों के बीच होते हैं तो सब भूल जाते हैं। कभी बच्चों को किससे कहानियां सुनाते हैं तो कभी उनसे सुनते हैं। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाना, दिल पर करना सबके राज। कभी नन्हे मुन्हों से राखी के पवित्र बंधन में खुद ही बन जाते हैं। इस राखी के बदले में आप देश की रक्षा करना, इस राखी के बदले में आप देश की रक्षा करना। प्रधानमंत्री से भी कहने का अधिकार है, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार। वो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना छोटी सी बच्ची को इशारों से अपने पास बुला लेते हैं, तो पुणे में रहने वाली वैशाली की हार्ट सर्जरी के बाद उसका हाल चाल लेने पहुंच जाते हैं। पीएम विदेशी जमी पर भी बच्चों के प्यार में यूं बेबस हो जाते हैं कि अपने काफिले को रोक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर उनसे बात करते हैं। ओ, 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 ओ। कितने बजे उठ गए? क्या नाम तुम्हारा? 6 बजे। आजादी की वर्षगांठ पर भी अपना भाषण खत्म कर वो बच्चों की दुनिया में ही खो जाते हैं। बच्चों के बीच बच्चा बन जाते हैं पीएम। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा आनंद यह होता है बालक रहने का। बालक बने रहने का कितना आनंद होता है, तो अगर ईश्वर मुझे पूछता क्या चाहते हो तो मैं कहता जिंदगी भर बालक बना रहूं। मोम से दिलवाला ये कठोर प्रशासक जमाने को भी यही सीख देने की कोशिश में है कि अपने भीतर के बच्चे को हर हाल में जिंदा रखिए और बाहर भी बचपन को यूं जिम्मेदारियों के बोझ के तले पिसने मत दीजिए। कुछ यूं भी कह सकते हैं, दुनिया में कुछ अच्छा रहने दो, बच्चों को बच्चा रहने दो।